How to increase your typing speed? अपनी typing speed कैसे बढ़ाएं? Friends, ये problem हर उस इंसान के सामने आती है जो computer से related कोई work करता है या कोई job कर रहा है। इसी problem का solution लेके friends मैं इस video में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ friends इस video को देखने के बाद आपकी typing speed में improvement भी आएगी और आपकी typing speed बढ़ेगी भी। तो चलिए friends इस video को start करते हैं। Your sitting position for typing. Typing के लिए आपके बैठने की मुद्रा क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे भी पहले फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि आपको किस चेयर पर बैठना है और किस चेयर पर नहीं बैठना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस चेयर की सीट फ्लैट है, ऐसे ही चेयर पर आपको बैठना है। अगर जिस चेयर की सीट पीछे से डाउन की तरफ जा रही है या झुकी हुई है ऐसे चेयर पर आपको नहीं बैठना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए आपके बैठने की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको चेयर पर सीधा बैठना है और आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए यानी स्ट्रेट होनी चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेकंड थिंग आपको ध्यान देनी है आपकी कोहनी यानी एल्बो थोड़ा दाएं कोण पर झुकी होनी चाहिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है स्क्रीन की तरफ आपका सर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होना चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। पीठ यहाँ सीधी है और सर थोड़ा सा झुका हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा होना चाहिए फ्रेंड्स। अगली बात आपको ध्यान देनी है अपनी आंखों और स्क्रीन के बीच कम से कम आपको 45 से 70 सेंटीमीटर तक दूरी रखनी है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपकी आंखें सेफ रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगली बात आपको ध्यान देनी है अगर आपकी कलाई लैपटॉप या कंप्यूटर को छू रही है, उसके कीबोर्ड को छू रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगली बात आपको ध्यान देनी है अपने शरीर के वजन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है यानी कि स्क्रीन की तरफ नहीं झुकाना है ज्यादा अपने शरीर के वजन को। अगर फ्रेंड्स आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे अगर आप वजन धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा आपका शरीर आगे की तरफ स्क्रीन की तरफ झुकता चला जाएगा और इससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कीबोर्ड पर हमारे उंगलियों की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए यानी होम रो पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप कीबोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में ये कीज है और यहाँ पर आपको उंगलियां रखनी है और इसे बोलते हैं हम होम रो पोजीशन। आपको अपनी उंगलियों को थोड़ा सा घुमाकर टेढ़ा करके ASDF और GH को छोड़कर JKL और कॉलोन पर उंगलियां रखनी है क्योंकि फ्रेंड्स यही हमारी पोजीशन है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, दूसरी की को दबाने के बाद हमें इसी पोजीशन पे आना होता है। अब फ्रेंड्स टाइपिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है कीबोर्ड पर आपको नहीं देखना है, आपको स्क्रीन पर देखना है। बहुत सारे लोग कीबोर्ड पर देखकर टाइपिंग करते हैं और स्क्रीन पर क्या टाइप हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इससे आपकी गलतियां बढ़ती चली जाएंगी और आपकी टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आएगी। अगली बात आपको ध्यान देनी है टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पर हर कीज के सही स्थान की कल्पना करनी होगी आपको, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो अक्षर आप टाइप करने जा रहे हैं वो किस पोजीशन में है यानी किस दिशा में है उसकी कल्पना आपको अपने माइंड से करनी है क्योंकि फ्रेंड्स आप कीबोर्ड पर नहीं देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। ऐसे समय आपको कल्पना करनी होगी, ध्यान देना होगा कि ये की हमें किस दिशा में मिलेगी, उसी दिशा में आपको अपने फिंगर को मूव करना है। तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है केवल उन उंगलियों के साथ कीज दबाएं जिनके लिए वे आरक्षित है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है जिस उंगली के लिए जो की बनी है आपको उसी उंगली से उसी की को टाइप करना है, इससे आपकी टाइपिंग स्ट्रांग होगी और आप गलतियों से बचेंगे। चौथी चीज आपको ध्यान देनी है हमेशा कोई भी अक्षर टाइप करने के बाद आप अपने होम रो पोजीशन पे फिर से आ जाएं और उंगलियां उसी स्थान पर रखें जहां पर पहले थी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको आपने समय का रिदिम बना के रखना है यानी कि आपको कोई भी की दबाते हो और फिर इसके बाद दूसरी की दबाते हो, इन दो की के
बीच में जो आपने समय रखा है, 1 सेकंड का 2 सेकंड का, आपको वही बराबर अंतराल पर दूसरी की को दबाना होगा। इससे आपकी एक स्पीड बनेगी, नॉर्मल स्पीड रहेगी लेकिन स्पीड रहेगी। अभी आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको सही पोजीशन, सही की को दबाना है। और शिफ्ट के लिए फ्रेंड्स आपको अपने लेफ्ट हैंड की कानी उंगली से आपको दबाना है। और अब अगर हम बात करें स्पेस बार की, तो आपके दोनों हाथों के अंगूठों का आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। आप जिस हाथ के अंगूठे से आप स्पेस बार दबाना चाहते हो उसे दबा सकते हो। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम टाइपिंग स्पीड, हमें कब बढ़ानी है टाइपिंग स्पीड। अगर आप नए नए टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। सही फिंगर से सही की को आपको प्रेस करना है। ऐसा बार बार अभ्यास करने से फ्रेंड्स आपकी उंगलियों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स वहां तक पहुंच जाएंगी। जब आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा कि सही जगह सही उंगली जा रही है, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और स्पीड एक चीज से और बढ़ती है, जब आप कोई की दबाते हैं तो स्क्रीन पर आप उसके आगे वाले वर्डों को, एक दो वर्ड को पढ़ लें, ताकि आपको याद हो जाए कि अब इसके आगे मुझे कौन सी की दबानी है। तो फ्रेंड्स अब हम अंत में बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की एवरेज क्या होनी चाहिए। 35 से 40 तक वर्ड पर मिनट होती है एवरेज, हिंदी में 40 तक और इंग्लिश में मैक्सिमम 45 तक। एवरेज की बात करें तो 35 से 40 तक। और मैं आपको फ्रेंड बता दूं, विश्व रिकॉर्ड जिसने बनाया है टाइपिंग में, उसका नाम है स्टेला बायजुनास, और इन्होंने 216 वर्ड पर मिनट की स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।